तहत भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कुपवाड़ा जिले के पंचगाम गांव में किया गया। यह अपनी तरह का पहला आयोजन है जिसमें युवा लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और क्रिकेट के प्रति अपने जुनून का प्रदर्शन। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी इंडियन आर्मी का जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम सिनों में भी खेल सके। इन्होंने पहले हमें ये भी मौका दिया था कि हम विंटर में खेलें, कि आज हम पहली बार अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि हम सिनों में खेल रहे हैं। हम पूरे आर्मी वालों का ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने लड़कियों को भी ये मौका दिया कि वो अपने जो हौसला जो अपना वो हुनर है वो सबके सामने दिखाए। क्योंकि बहुत सारे जो हम जिस हम कश्मीर में रहते हैं हमें यहाँ पर मतलब लड़कियों को इतना मौका नहीं मिलता है। हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लड़कियां अपना टैलेंट दिखाए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती है। और मैं सारी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर किसी में भी कुछ भी हुनर है वो आगे आए, क्योंकि यहाँ पर ना सारे लड़कियों का हुनर दिखाया जाता है। यहाँ पर ये नहीं है कि किसी का दिखाया जाए किसी का नहीं। मैं सारी लड़कियों का ये मतलब ये मैसेज देना चाहती हूँ अगर किसी में कुछ भी हुनर है वो आगे आए। यहाँ लड़कियों के लिए आयोजित इस शीतकालीन खेल प्रतियोगिता को देखने के लिए इलाके के जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग काफी संख्या में यहाँ उपस्थित थे। आज पहली बार देखने को जो हमारी इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक टूर्नामेंट रखा था और वो भी इस बर्फ़ की सीज़न में जबकि इंसान चल भी नहीं सकता है इसके अंदर खेलना, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चों के अंदर जो भी छुपी कला है वो बाहर लाने के लिए और इस तरीके के इवेंट जो हैं वो इंडियन आर्मी जो करवा रही है ये तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार कश्मीर के अंदर जो है ये इस बर्फ़ की सीज़न में हो रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग ये देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी ताकि अपनी बच्चियों को और बच्चों को इस चीज़ पर रोक ना लगाएं, उनको खुला मौका दें और खुली छूट दें ताकि वो बच्चे आएँ खेलें। इस छोटी छोटी खेलों से बढ़कर जो है वो आगे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक जो हमारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो जाते हैं। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस तरह के आयोजनों में हमेशा स्थानीय महिलाओं की व्यापक भागीदारी देखी जाती है। आज जो हमने यहाँ पे स्नो क्रिकेट खेला हमें बहुत मज़ा आया। इससे पहले हम खेलते थे लेकिन हम समर्स में खेलते थे क्रिकेट, लेकिन आज जो हमने यहाँ पे स्नो क्रिकेट खेला हमें बहुत मज़ा आया और एक तो इंजॉयमेंट भी की और हम मतलब अब हौसला अफजाई भी होती है ऐसे जो मतलब प्रोग्राम्स है। हम पहले थैंकफुल है इंडियन आर्मी के जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स मतलब यहाँ पर रखे। ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए क्योंकि इससे ना बच्चों का टैलेंट दिखता है और मतलब इंजॉयमेंट भी हुई। आज हम इंडिया आर्मी के बहुत थैंकफुल है, शुक्रगुजार है। सेना के द्वारा किए जा रहे इस तरह के प्रयासों से कई तरह के सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। मैं सब लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी कि सब लड़कियां आएं और ये गेम खेलें, आगे बढ़े। हमें आज महसूस हुआ कि हम आगे हम भी कोई काम कर सकते, कोई क्रिकेट या कोई भी गेम खेल सकते, आगे बढ़ सकते। हम इंडियन आर्मी का शुक्र अदा करती हैं। नहीं कभी हमने क्रिकेट गेम कोई भी ऐसी बर्फ़ में कभी नहीं खेला था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ हमने क्रिकेट यहाँ पर खेला। हम बहुत अदा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इंडियन आर्मी के, इन्होंने हमें बर्फ के ऊपर मैच खिलाया और ज़्यादा से ज़्यादा आज बहुत ठंड भी थी विंटर में, हमें इतना मज़ा कभी नहीं आया जितना आज आया।